अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शीबा अकरम। मैं अपने चैनल हेल्थ एंड लाइफ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि हम एनीमिया के मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो भी हम एनीमिया की एक थर्ड टाइप है जिसे हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं, उसके ऊपर बना रहे हैं। पहले हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे बात की, फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे, और आज है परनीशियस एनीमिया पे हमारी गुफ्तगू। कुछ किस्मती से हमारे मुल्क में परनीशियस एनीमिया के केस बहुत रेयर हैं, लेकिन वेस्ट में और अफ्रीका में इसके केस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बाहर हाल किसी भी एनीमिया को ट्रीट करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम एनीमिया की कौन सी टाइप को डायग्नोज कर रहे हैं और कौन सी टाइप को हम ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हर टाइप का जो ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ है। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, इसकी वजह अगर हम वजह पे बात करें तो इसकी वजह है ऑटो इम्यून कॉजेज हैं इसके, और कुछ इसकी जेनेटिक रीजनिंग है। ये जब होता है तो ये स्टमक के अंदर जो पेराइटल सेल्स हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये वाइटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। परनीशियस एनीमिया के अंदर ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये डिफिशेंट हो जाता है। यूँ समझें कि पेराइटल सेल्स जो हैं वो ऑटोइम्यून रीजन की वजह से इस काबिल नहीं होते कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस कर सकें, और इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशेंसी जो है वो वाइटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। रिजल्टेंटली एक बहुत ही स्वेयर डिफिशेंसी वाइटामिन B12 की होती है, जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स इसके अलामत वही हैं जो एनीमिया के दूसरे केसेस में होते हैं, जैसे कि पैलर है, ब्रेथलेसनेस है, ईजी फटिगेबिलिटी है, इरिटेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें वैसी ही हैं। लेकिन उनके साथ साथ इस केस में जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी मुतासर होती है, पेशेंट को जॉन्डिस होता है, और इसके साथ पेशेंट की जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जैसे कि नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, कन्फ्यूजन है, वो सारी जो अलामत हैं वो भी आने लग जाती हैं। लिहाजा परनीशियस एनीमिया को इन डाइवर्सिटी ऑफ सिम्टम्स की वजह से डायग्नोस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बहुत दूसरी तरफ भी डायग्नोसिस करते टाइम बहुत दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ भी इंसान का ध्यान चला जाता है। इसके लिए जो ज़रूरी टेस्ट करवाए जाते हैं, नेचुरली उसमें CBC ज़रूर करवाई जाती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े साइज़ के RBC बनते हैं और बहुत कम तादाद में बनते हैं, और पेरिफेरल फिल्म को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि RBCs नॉर्मल टाइप के नहीं होते, और HB लेवल को भी आपने देखना है। इसके साथ साथ आप वाइटामिन B12 लेवल भी चेक करते हैं, और साथ में आप जो दूसरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रूल आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो भी आप देख लेते हैं। तो इस तरह से आप परनीशियस एनीमिया को डायग्नोस करते हैं। जब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट में हमें इसमें वाइटामिन B12 के इंजेक्शन जो है उसके शॉट्स देने पड़ते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग होता है, बहुत ही लंबा इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून चीज़ है और जो डेफिशिएंसी है वो तो रहेगी, लिहाजा काफ़ी अरसे तक इसका ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। तो ये था परनीशियस एनीमिया, एंड दैट्स हाउ वी डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स, एंड इवन दो इट्स रेयर इन पाकिस्तान बट वी शुड हैव द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ